بسم الله الرحمن الرحيم। बच्चों आज हम लोग दर्जा 10 यानी क्लास 10 का साइंस पढ़ेंगे और इसमें जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उन्वान है धात और गैर धात यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों पिछले क्लास में आप मेटल्स के बारे में बखूबी जान चुके हैं कि मेटल का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेटल क्यों जरूरी है यानी कि धातु क्यों जरूरी है, इसका फायदा क्या हो सकता है, इसका नुकसान क्या हो सकता है। बहुत सारी वीडियो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको उसमें उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका फिजिकल नेचर कैसा है, चमक कितना होता है, उसके बाद इसका कंडक्शन कैसा है, सोनेडिटी कैसा है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको उसमें आसानी से पता चल जाएगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और ये जो बच्चों क्लास चल रहा है, ये क्लास आपको हमारे चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी साहब के गाइडेंस में ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया गया है और चल भी रहा है इस कोरोना वायरस के दरमियान भी, और आप इसका बखूबी फ़ायदा उठा भी रहे हैं। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे, आप देखिए यहाँ नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों मेटल के बारे में जब हम बात किए थे तो मेटल क्या था, मेटल्स स्ट्रांग था। और इसमें अगर हम नॉन मेटल के बारे में बात करें यानी धात के बारे में बात करें तो जो ये होते हैं यानी कि जो गैर धात होते हैं जो नॉन मेटल होते हैं वो काफ़ी आसानी से टूट जाते हैं। कहने का मतलब है कि वो इतना कमज़ोर होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अगर हम ऐसे लें कि जैसे मान लेते हैं कि लकड़ी है, तो जब लकड़ी का जो जब कोयला होगा तो जैसे अगर हम उसको पीटेंगे तो वो आसानी से टूट जाएगा। कहने का मतलब है कि जो धात होती है यानी गैर धात होती है यानी कि उसमें कोई चमक नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे आप ये भी सोचिएगा बच्चों कि जो घर में टाइल्स है या मार्बल्स है, ये जो भी चीज़ है तो वो क्या है, धात है या गैर धात है। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि वो क्या है, जो भी जो मार्बल या टाइल्स हम लोग जो लगाते हैं वो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना रहता है, यानी कहने का मतलब वो गैर धात है यानी कि नॉन मेटल्स है। लेकिन अगर हम वही सोने के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, धात हो जाएगा। उसी तरह बच्चों अगर हम इसके बारे में बात करें, क्या बोलते हैं कि वो मतलब सॉफ्ट होते हैं, तो आपको पता चल गया कि ये जो गैर धात होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं यानी कि आसानी से टूट जाते हैं। बच्चों आपको ये भी मालूम है कि अगर नहीं भी मालूम है तो आप जान जाइए कि इसमें कोई चमक नहीं होती है। जैसे अल्मोनियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है और चांदी है, तो ये सब क्या है, इसमें चमक पाई जाती है। बट लेकिन अगर हम गैर धात की बात करें तो इसमें कोई चमक नहीं पाई जाती है यानी कि कोई चमक नहीं पाई जाती है, यानी कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल चमकहीन होते हैं यानी कि गैर चमक वाले होते हैं। लेकिन अगर इसमें हम बात करें कि जब जाहिर सी बात है जब वो कमज़ोर होते हैं तो जाहिर सी बात है पीटेंगे तो जाहिर सी बात है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन अगर वही सख्त फॉर्म सख्त तरीके से है, जैसे मान लेते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी बात करें, टाइल्स की बात करें, तो वो भी आप पटकिएगा तो वो भी आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। थोड़ा हार्ड तो रहता है क्योंकि वो बनाया जाता है, लेकिन वो उस जो उसका तरीका है वो यानी कि वो जो उसका कॉन्सेप्ट है वो किस में आएगा, वो गैर धात में आएगा। बच्चों इसमें ऊष्मा के बारे में बात हुई है यानी कि हीट के बारे में बात हुई है। तो बच्चों जब हम हीट के बारे में बात करेंगे तो कहने का मतलब है कि ये यानी कि इसलिए हरारत जो होते हैं यानी कि हीट जो होते हैं हमारे, जैसे कहने का मतलब इसमें कितना हीट होता है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम मेटल्स के बारे में बात कर रहे थे तो मेटल्स में हीट पाया जाता था। इसमें किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो हीट तो आता ही है, लेकिन कहने का मतलब है कि मेटल्स के कंपैरिजन में यानी कि मेटल्स के मद्देनज़र अगर हम देखें यानी कि अगर उससे और इसका अगर हम तालमेल देखें यानी दोनों में फ़र्क देखें तो आप देखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं यानी कि धात जो होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं और वो आसानी से वो हीट को एक जगह से यानी हरारत को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गैर धात की बात करें तो ये पूरी तरह से नहीं हो सकती है। अगला टॉपिक है बच्चों कि इसमें
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है या नहीं होता है। तो बच्चों आपको ये चीज हम बता दें कि जो कार्बन होते हैं, ये कहने का मतलब है कि इसमें जो अगर हम बात करें ये गैर धातु में, तो इसमें क्या है कि ग्राफाइट जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब इससे आसानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम चांदी के बारे में बात किए थे, तो चांदी क्या था, चांदी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी था, यानी कि वर्किंग मूसल मतलब चांदी, और गैर वर्किंग मूसल का मतलब अगर हम बात करें, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम गैर वर्किंग मूसल की बात करें तो ग्राफाइट के बारे में अगर हम बात करें तो ये तो वर्किंग मूसल है, लेकिन बेस्ट के बारे में बात करेंगे तो सिल्वर हो जाएगा। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स में बात करें तो ग्राफाइट भी जो है वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। ये जो है अपवाद है, एक्सेप्शन है, यानी कि कहने का मतलब है कि इसको हम लोग अपवाद में मानते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक उम्मीद रहती है। लेकिन जैसे कहने का मतलब है वो इंसान है, ऐसे समझ लें कि अगर वो इंसान है लेकिन उसकी जो कैरेक्टर है वो दूसरी कैरेक्टर है। कहने का मतलब है कि वो इंसान अपने कैरेक्टर से दूसरा मिलता जा दूसरे की तरफ दिख रहा है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन के दौर में चला जाएगा। मिसाल के तौर पे आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रहा है, हम लोग भी लड़ रहे हैं। अब इसमें जो कोई देश जो है वो वैक्सीन बना लेती है और क्या है कि बहुत ही जल्दी लोग मतलब ठीक हो जाते हैं, और दूसरी वैक्सीन बनती है वो उससे जल्दी लोग ठीक नहीं होते हैं। तो क्या है कि जो वो वैक्सीन है वो एक एक्सेप्शन होगा, यानी कि अपवाद होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि बहुत ही, जैसे कहने का मतलब लाखों में एक, जैसे हजारों में एक, इस तरह का हम लोग एक्सेप्शन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों अगला जो है, जैसे मान लेते हैं कि सोनेरिटी, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जब हम कोई भी चीज़ को टकराएंगे तो जाहिर सी बात है वो तो टूट जाएगा, तो इसमें कोई सोनेरिटी नहीं पाया जाता है, यानी कि मौसीलियत तेज आवाज़ इसमें नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को मारते हैं या ही, तो उसमें तो अलग अलग तरह के साउंड, लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें गैर धात में यानी नॉन मेटल्स के बारे में हम बात करें तो इसमें इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। बच्चों इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको देखने की ज़रूरत है। इसमें क्या है कि धात और गैर धात में कुछ वर्गीस, यानी कि कहने का मतलब है कि एक्सेप्शन क्या है। तो इसमें देखिए कि जो भी धात होते हैं वो कहने का मतलब है कि काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी होते हैं, यानी कि जैसे डक्टाइल होते हैं। कहने का मतलब है कि डक्टाइल का मतलब उससे हम लोग पतला तार निकाल सकते हैं। जो भी उसके बाद जो भी धातु होते हैं यानी जो भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल हैं जैसे मरकरी है उसके बाद, या पारा है, ये जो है वो क्या है, लिक्विड के शक्ल में रहते हैं, वो डिपेंड करता है रूम टेम्परेचर पे। अगला है जैसे आयरन है, कॉपर है, अल्मोनियम है, ये सब बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, मतलब सख्त होते हैं। लेकिन जैसे लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, पोटाशियम है, ये सब क्या है, मुलायम है। लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये है क्या है, मुलायम है, और इसे चाकू से हम लोग काट सकते हैं। जैसे लेड है, शीशा, मरकरी, पारा, ये मतलब जैसे इसमें हरारत जो है सबसे कम होते हैं, यानी कि इनका हरारत करने की कैपेसिटी कम होती है। कुछ ऐसे भी जो चीज़ हैं जिसमें मतलब धात और गैर धात का भी कॉम्बिनेशन होता है, यानी घुन पाए जाते हैं, जैसे उसको हम लोग इंग्लिश में मेटलोइड्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें बोरोन है, सिलिकॉन है, ठीक है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, पोलोनियम है, ये सारा चीज़ जो है ये आपको मेटल्स और नॉन मेटल यानी कि धात और गैर धात का दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए।
आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि जो भी मेटल्स होते हैं वो मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट के बारे में जब हम बात किए तो ये नॉन मेटल्स होने के बावजूद भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बच्चों इसमें जैसे हीरा जो है, हीरा भी क्या है, हीरा जो है वो क्या होगा, गैर धातु होगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज होती है। पूछा जाएगा क्यों, तो हीरे को हम लोग क्या करते हैं, तराशते हैं, तराशने के बाद उसमें चमक आती है। इसलिए अगर पूछा जाएगा कि क्या हीरा जो है वो धात है या गैर धात है, तो हीरा गैर धात है लेकिन वो चमकता है। तो कहने का मतलब है कि लोग ने मिसाल दिया है कि हर चमकने वाली जो चीज होती है वो सोना नहीं होती है। इसलिए बच्चों इस क्लास में, इस टॉपिक में आपको कोई भी दुश्वारी हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इसका पूरी तरह से तसफी वक्त जवाब देने की कोशिश की जाएगी।